आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंध हलचल हरियाणा में। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय असंध के गांव जयसिंहपुरा के शमशान घाट में हम पहुंचे हैं। जैसा कि सरकार के द्वारा काफ़ी ये वादे किए गए थे कि जो भी गांव में शमशान घाट हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए कहीं ना कहीं जो लोग बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और रास्ता भी अभी जो है गांव से कच्ची ईंटों का ही है काफ़ी लंबे समय से। और दिखाना चाहूँगा कि ये जो शेड है ये भी कहीं ना कहीं खस्ता हालत में है और जो उजाड़ है या पानी की सुविधा है, बैठने की सुविधा है, वो आपको कहीं यहाँ नज़र नहीं आएगी। गांव के शमशान घाट जयसिंहपुरा की ये लाइव तस्वीरें हैं और पहले भी काफ़ी ग्रांटें आई हैं लेकिन सिर्फ अभी तक जो है दीवार ही यहाँ बनी है। तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गांव के मौजूद लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं इस मसले पर कि सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी गई थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती। पेड़ों की, यदि पेड़ पौधे होते तो बैठने की जगह होती और इसके अलावा बैठने की भी जो है जगह हो सकती है। फूल पौधे होते हैं शमशान घाट में, जो एक वातावरण होता है कहीं ना कहीं वो बिल्कुल दिल को छूने वाला होता है। तो ये लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और भी मौजूद जो व्यक्ति हैं उनसे मैं आपकी बातचीत यहाँ करवाना चाहूँगा कि किस प्रकार से क्या उन्होंने किया है। तो ये तस्वीरें हैं लाइव, बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं और भी मुख्य परिवार के सदस्य जो यहाँ पहुँचे हैं उनसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी असुविधा है यहाँ और मुश्किलें भी हैं पीने के पानी को लेकर के, बैठने को लेकर के, और शेड भी कमज़ोर हैं और कहीं ना कहीं देखिए कई बार क्या होता है कि 5 से 6 बजे भी शमशान घाट में हम पहुँचते हैं, लाइट की भी यदि सुविधा यहाँ दुरुस्त हो तो कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे पुराने बुजुर्ग जो हमारे ताऊ जी थे, अब नहीं रहे इस दुनिया में, करतार सिंदर जी, उनके पुत्र हैं और वो ही एक दिन आए थे, उनके मन में ये बात आई कि ये हमारा जो है गांव का मसला है और हम इसको जो है जल्दी दुरुस्त करें तो अच्छा रहेगा। तो बातचीत करेंगे, बताएंगे कि क्या उनके मन में है, बताएं जी। नमस्कार जी, असंध अंचल का मैं बहुत स्वागत करता हूं इसकी ओर से। एक बात ये है कि ग्रामवासियों से मैं एक अपील करना चाहता हूं। मैं पिछली बार शमशान घाट में हमारी चाची जी गुजर गई थी तो आया था मैं, कोई करनाल से मेरा रिलेटिव डॉक्टर था, वो आके कहने लगा भाई आपका इतना बड़ा गांव है, समझदार गांव है, जीट रोड पे गांव है आपका और देखो शमशान घाट की क्या व्यवस्था है। तभी मैंने सभी भाइयों से बुजुर्गों से पूछा भी इसके बारे में क्या किया जाए। आज हम इसीलिए शमशान घाट में आए हैं यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए। देखो सबसे बड़ी आपने दिखाया यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। मैं गाँव वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आप सरकार के भरोसे ना रहो। सरकार की बात एक अलग है, सरकार अपने तरीके से जो भी काम करवाती है वो करवाती रहेगी, आप अपने प्रयास से जो भी कर सको इसमें जैसा भी सुधार हो। आज गांव के सरकारी स्कूल में 4 बजे ग्राम सभा की मीटिंग है, सभी से मेरा जोड़कर निवेदन है सभी गणमान्य लोग वहां पहुंचे और अपने अपने सुझाव दें। स्कूल में रहेगी सरकारी, हाँ 4 बजे स्कूल में, सरकारी स्कूल में। जी जी डॉक्टर साहब। मैं नरेंद्र सिंह, असंध हलचल हरियाणा का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने और अमरजीत सिंह ने जो ये मुद्दा उठाया है शमशान घाट का। आप आते भी हैं, हमारे को भी ये फील होता है जो, क्योंकि आजकल सभी देखो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे होते जा रहे हैं और उनके मन में भी एक टीस रहती है कि जब कोई भी रिश्तेदार या कोई बाहर से आता है, देखो मौतें हैं ये चलती रहती हैं, कोई बुजुर्ग के हिसाब से कोई एक्सीडेंट में, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे को भी खुद अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसी उसमें ये कहना चाहता हूँ कि गाँव, सारे गाँव से अपील भी करता हूँ कि इसमें अपने तह दिल से कोई इच्छा है, कोई अगर ग्राम सभा जो बैठेगी उसमें जो निर्णय होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन जो संपन्न परिवार हैं, जो संपन्न बच्चे हैं, वो भी अगर अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा देना चाहे तो उनके इच्छा के अनुसार वो दे सकते हैं, क्योंकि हमारा आखिरी पड़ाव यहीं पे होता है। और कोई कहीं भी किसी भी देश में चला जाए, कोई किसी भी शहर में चला जाए, आना उनको आखिरी टाइम में अपने गाँव में ही होता है, पैदाइश भी वहाँ होती है और आना भी आखिरी गांव में अपने में आना होता है। तो अगर यहीं आप देख रहे हैं व्यवस्था, दिलबाग जी ने दिखाया
कि कितनी बुरी व्यवस्था है यहाँ पर, यहाँ पे लाइट का प्रबंध नहीं है, यहाँ पे पानी का प्रबंध नहीं है, यहाँ पे कई बार हम असंध में जाते हैं, असंध में हमारे जिस तरह मैं असंध में काम करता हूँ तो वहाँ पे जाना होता है तो वहाँ एक हमारे स्वर्ग सा लगता है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्था हो वहाँ पे, जब बॉडी जाती है तो वहाँ पे पानी का छिड़काव के गंगा की तरह पवित्र जो लगता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ, सारे गांव से अपील करता हूँ कि ऐसी ही व्यवस्था हमारे को यहाँ पे भी मिलजुल के करनी चाहिए। हाँ जी दादा जी, क्या क्या कमियाँ लगती हैं? ये तो सारी मतलब बुरा हाल हो रहा है, तो सारे गाँव का ही काम है। 4 बजे 36 बरादरी के लोग, मतलब बाबा बकुआ हो या चौकीदार द्वारा, मतलब बटले होगा जैसे निर्णय ले, मतलब सभी का ही काम है। सरकारी स्कूल में? हाँ, सरकारी स्कूल में जी। हाँ जी, हरियाणा अलचल की माध्यम से मैं गांव जयसिंहपुर को अपील करना चाहता हूं कि हम यहाँ गांव के छड़ा में खड़े हैं और आज विचार किया, क्योंकि ठंडू क्याली छपैड़ में एक पंचायत थी, उसमें विचार सुझाव आए भाई आप छड़ा में एक तो सफाई नहीं है, 3-3 फुट घास खड़े है, मतलब एक तो ये सफाई की बात है, एक पानी नहीं है यहाँ, कोई हाथ धोने न पीने न, कोई टुंटी वगैरह यहाँ लग जाए, कुछ जैसे बुजुर्ग लोग विकलांग लोग यहाँ आते हैं संस्कार में, वो बैठने के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ, कोई न कोई बैठने की कुर्सी कोई बनाई जावे, तो हमें ये विचार आया कि गांव 4 बजे स्कूल में इकट्ठा किया जाए आज, और उसमें सभी की राय से ये काम शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ जो अधूरा है, कपिल सरपंच जी ने भी यहाँ कुछ ग्रांट लगवाई है लेकिन वो अधूरी है, वो मतलब कुछ काम रह गया, उसका टर्म पूरा हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में आगे लगेंगे। और मैं चैनल के आपके माध्यम से ये सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, MP MLA से भी अपील करना चाहता हूँ, जो भाटिया साहब है या गोगी साहब है, तो भाई यहाँ कोई ग्रांट दे जावे, यहाँ कोई कमरा बने, बरेंडा बने, और वो मोटा एक ग्रांट यहाँ देने की मैं गांव की तरफ से, अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूँ, सरकार से भी, BJP की सरकार है हरियाणा में, कट्टर साहब से भी मेरी आवाज सुने और मेरी अपील सुने कि यहाँ एक ग्रांट दे जावे कोई, और आज ये करते हुए आगे गांव की सहयोग से ये करवाएंगे। हाँ दादा जी, ये बताओ क्या क्या जरूरत रहती है? उरा भाई बहुत घनी दिक्कत है, उरा कोई मुर्दा मार देने फूकड़ा तो 5-5-4-4 फुट घास खड़े है, कड़ी राह नहीं है, और बुरा हाल भर है, सिपाही गले सोचा कि चिंसमल जितनी सोचा कोई बैठाया हो जे मोंद बादल मैं बैठा मोडा ठेरा भी नहीं बैठा जाता, कोई कुर्सी कर्सी का कोई बैठन बैठन का भी जाम है, जैसे सिपाही हो जे मैं कीड़ा कांडा का भी डर, इतना घास खड़े है गोटा गोटा और सारा डंगा खड़े है। क्या सोचते हैं भाई साहब? मैं तो ये चाहता हूँ कि गांव में इतने बड़े गांव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सरकार अपनी तरफ से कर रही है, सरकार का सहयोग हो जाए तो उस पर की बात नहीं, वो तो और अच्छी बात है, लेकिन इतने बड़े गांव के लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर सफाई हो जाए तो गांव की वो है, हाँ पानी सुविधा हो जाए, एक यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सियाँ हो जाए, एक यहाँ पे बारिश वगैरह कुछ हो जाए मौके पर तो एक छप्पर लग जाओ या बरांडा बन जाओ, वैसी बातें नहीं, ठीक है, तो एक ये घास है सबसे बड़ी दिक्कत, एक घास है यहाँ पे, मुर्दा आ जाए तो मुर्दा संस्कार करने के लिए जगह नहीं है इतनी ज्यादा, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, आज शाम 4 बजे स्कूल में इकट्ठे हो रहे हैं, तो सहयोग चाहे गांव का भैया, पूरा गांव इकट्ठा हो और अपने अपने फैसले जो बातचीत बता हुआ है भाई क्या क्या सुझाव होने चाहिए, हाँ तो सबसे अपील है तो भाई गांव पूरे गांव से कि भाई इकट्ठे हो और अपने अपने सुझाव दो, जो सहयोग हो सहयोग भी दो। क्या क्या समस्याएं आती है? क्या समस्या इसमें तो आग खड़े जी सारे को, दो बड़ा खड़े गोडा गोडा ऊंचा नीचा पड़े जी, इसमें सफाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, गांव का सहयोग से हो, सरकार की ओर से हो जाए, पानी की सुविधा कोनी की हाथ धोने के लिए, हम तो ये चाहते हैं इसको सफाई हो जाए, सरकार का हिसाब से हो जाए या गांव का हिसाब से हो, किसी का हिसाब से हो जी, हाँ 4 बजे इकट्ठे होगा गांव सरकारी स्कूल में तो जैसे भी सो होगा वैसे हम चाह रहा जी, देखो जी कैसे होगा। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय आज तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है शमशान को यहाँ साफ सुथरा करने के लिए, तो ये लाइव तस्वीरें ज़्यादा ज़्यादा राकेश कामरेड हमारे दादाजी के जो बड़े लड़के हैं वो जुड़े। अच्छा क्या क्या कमियाँ लगती हैं भाई? कमी तो बहुत है, घास फूस इतना चढ़ा खड़ा है बहुत ज्यादा, तो पानी की सुविधा होनी चाहिए, चार दुवारी होनी चाहिए पूरी,
और बैठने के लिए जगह होनी चाहिए भाई, पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, खेल खाल बन जाए, अच्छा लगा है, अच्छा गांव को आवा, इतनी कहना चाहूंगा भाई। गांव से हमने 4 बजे इकट्ठा होकर इस पर विचार करें, धन्यवाद। साफ सफाई तो जरूरी है जी सारा, मैं इसमें अड़ंगा कबाड़ चढ़िया पड़िया खड़ी गड्ढे सारी सफाई होनी चाहिए इसकी, और पानी का भी होना चाहिए प्रबंध, कोई कोई बैठ रहे आदमी है जरा, कोई बैठने का भी होना चाहिए, बैठने का प्रबंध हो जाए। समस्या तो है, समस्या तो है बिल्कुल, यार अगर जे बरामदा बन जे नलका लग जे आदमी आवे बैठे आदो का आवे, बड़ा फायदा इस चीज का जी, ये तो होना चाहिए कंपलसरी और बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय मैं आपको गांव जयसिंहपुर के शमशान घाट से तस्वीरें दिखा रहा था कि काफ़ी जो दुर्दशा है, बहुत ज़्यादा ये घास फूस है और जो ईंटें पड़ी हुई हैं, चार दीवारी का भी जो काम है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ है। यदि बात करें कीड़ा कांडा का मतलब होता है कि किसी प्रकार के जो सांप है वो यहाँ निकल जाते हैं, लोगों को समस्या आती है, बच्चे भी आते हैं, महिलाएँ, और ये कई बार क्या होता है कि जो बुजुर्ग हैं वो आते हैं उनको बैठने की जगह नहीं मिल पाती, और इसके अलावा यदि पानी की बात करें तो वो उसकी भी कमी रहती है, लाइट की भी कमी रहती है, चार दीवारी अभी तक पूरी जो नहीं हुई है। तो गांव के सहयोग से जो है इसको करने की कोशिश की जाएगी, और आज सरकारी स्कूल में 4 बजे जो है सभी इकट्ठे होंगे और अपना अपना जो है सहयोग जरूर करेंगे, और सरकार से भी अपील करेंगे कि इस कार्य में, शुभ कार्य में जो है सहयोग जरूर करें, क्योंकि सभी का जो अंत है वो यही निश्चित है। लाइव तस्वीरें संत हलचल हरियाणा के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।